हे गाइस, तो चलिए आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है आधा किलो मावा और मावे के अंदर मैंने एक कटोरी के लगभग मैदा मिलाया है। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको जैसे आटा मसलते हैं वैसे काफ़ी देर तक आपको मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो आप गुलाब जामुन तलेंगे तो बिखर बिखर के जाएंगे। इसलिए आपको इसको बहुत सॉफ्ट करने की ज़रूरत है इस प्रकार से। ठीक है, अब मैं इसकी बॉल्स बना रही हूँ। छोटी छोटी बॉल्स बनाइएगा क्योंकि ये तलने के बाद फूलेंगे और फिर चाशनी पीने के बाद और ज़्यादा फूलेंगे। तो इसकी छोटी छोटी बॉल्स हम रेडी कर रहे हैं। अब ये घी है, घी को मैंने गर्म कर लिया है थोड़ा और फिर अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो बॉल्स हमने बनाई हैं वो। इसको आप बिल्कुल कम आँच पर तलिएगा गाइस, क्योंकि अगर आप मीडियम या थोड़ी तेज़ आँच पर तलने की इसको कोशिश करेंगे तो ये बाहर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये पकेंगे नहीं और चाशनी अच्छी तरीके से नहीं पियेंगे तो अंदर से अच्छे नहीं लगेंगे फिर। इसलिए आप इसको बिल्कुल कम आँच पे तलिएगा। ये देखिए ब्राउन हो गए हैं, तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। हो गए हैं इस तरीके से, हम इसको बाहर निकालेंगे और फिर अब चाशनी की तैयारी करेंगे। तो ये है, 2 ग्लास शक्कर ली है मैंने और इसको इतना इसमें पानी डाला है जिसमें शक्कर पूरी डूब जाए। उससे ज़्यादा पानी मैंने यहाँ पे इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। बस ये दोनों को मिक्स करके मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और अब मैं इसको भी कम से मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। देखिए पक रही है धीरे धीरे, इसको बीच बीच में हिलाते रहें नहीं तो नीचे से चिपकने वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए पक रही है। अब इसमें मैंने डाला है इलायची का पाउडर। इलायची के पाउडर को हमने डाल दिया है ताकि ये इसी स्टेज पे मैंने डाल दिया ताकि उबलने पे इसके सारे फ्लेवर्स चाशनी में मिक्स हो जाए। ये देखिए उबल रही है, उसका कलर चेंज हो गया। ये कलर ही आपको बताएगा कि हमारी चाशनी ऑलमोस्ट पक गई है। जब पक गई है तो फिर हम गैस बंद कर देंगे और गुलाब जामुन और चाशनी दोनों को थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा इन द सेंस थोड़ा नॉर्मल होने देंगे, मतलब बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है और एकदम गर्म में भी दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो थोड़ा कुनकुना होने के बाद मैंने चाशनी में अपने गुलाब जामुन को डाल दिया है। इसको 1 घंटे तक आप रेस्ट करने दें, फिर चाशनी देखिए मैं काट कर बता रही हूँ आपको, पूरी अंदर तक गुलाब जामुन ने चाशनी पी ली है, मतलब ये बहुत टेस्टी हो गए हैं। अब